नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे ककड़ी की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रवास्की के लेटेस्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम ककड़ी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हरी और कच्ची ककड़ी है। इसकी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये खास करके गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ये ककड़ी हमें मार्केट में सब्जी मंडी में मिल जाती है। तो ये हमने आधा किलो की ककड़ी ली है और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है 2 हरी मिर्च को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, 8 से 10 कलियां लहसुन का, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कूट करके रख लिया है, 3 से 4 पिंच हमने हींग लिया है, 1 प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 15 से 20 हमने करी पत्ते लिए हैं, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, 2 प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जिसमें आप सब्जी बनाते हैं। हरी धनिया हम डालेंगे, इसे मैंने धोकर रखा है, अभी काट कर रख लेंगे छोटे टुकड़ों में। और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हमने गर्म मसाला पाउडर लिया है। तो सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए हम ककड़ी को छील लेंगे। इसे मैंने धो करके रख लिया है, अब इसे हम चाकू से छीलेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर का साइड हम काट लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक लगाएंगे और इसे इस तरीके से घिस लेंगे। इस तरीके से घिसने से अगर ककड़ी हमारी कड़वी है तो इसकी कड़वाहट चली जाती है, तो इस तरीके से हमें इसे घिस लेना है। और ये ककड़ी हमारी कड़वी नहीं है, अगर ये कड़वी होती तो सफ़ेद इस तरीके का किनारे पर फेना आ जाता है। तो ये ककड़ी हमारी बिल्कुल मीठी है, कड़वी नहीं है। तो इसे हम छील लेते हैं। ककड़ी को मैंने छील लिया है, अब इसे हम बीच से काट लेंगे और इसके अंदर का जो बीज है इसे हमें निकाल देना है। इसे हम निकाल लेंगे और इसका बीज मैंने अच्छी तरीके से निकाल दिया है, आप देख सकते हैं ककड़ी का छिलका और बीज मैंने अलग कर दिया है। अब इस ककड़ी को हम अच्छी तरीके से पहले धो लेंगे। ककड़ी को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और अब इसे हम छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो पहले बीज से इसे हम कट कर लेते हैं और एक बर्तन में इसे हम काट लेंगे। इसकी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जैसे हम खीरा और लंबी वाली ककड़ी की सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से इसका भी स्वाद आता है। तो खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम काट करके रख लेते हैं। ककड़ी हमारी कट चुकी है, इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर जीरा डाल देंगे, इसे हल्का सा भूनेंगे और इसके अंदर हींग डाल देंगे। आज को हम धीमा करेंगे और इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक जो मैंने कूट करके रखा है, हरी मिर्च और करी पत्ता, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम आज को मीडियम कर देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम फिर से आज को धीमा कर देंगे और इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसे 10 सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर ये कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसे हम सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, इससे मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। और इसे बराबर चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कटी हुई ककड़ी डाल देंगे और इसे मिला देंगे और इसे भी हम 2 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे। ककड़ी को मैंने भून लिया है और इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1 चम्मच नमक इसके अंदर हम डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना है।
से मिला देंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ककड़ी से भी पानी निकलता है, तो हम एक छोटी कटोरी पानी इसके अंदर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप और पानी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे और आंच को हम मीडियम रखेंगे। बीच में हमें एक बार इसे चला देना है। सब्जी को चेक कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट तक इसे पका लिया है और मैंने बीच में इसे एक बार चला दिया था, तो सब्जी हमारी पक गई है। ककड़ी बहुत जल्दी पक जाती है, इसे पकने में टाइम नहीं लगता है। इसे दबाकर देखेंगे कि आराम से कट रही है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से इस सब्जी को बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसे बनी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ी सी धनिया और डाल देते हैं। और हमारी ककड़ी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ खाइए। ये सभी के साथ खाने बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप ककड़ी की सब्जी बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।